दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद रफशान मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। एक बार फिर से गरमाया पारस बिल्डिंग का मुद्दा, आपसी विवाद के चलते गई एक टेनेंट की जान। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा लगभग एक साल पहले पारस बिल्डिंग का एक मसला सामने आया था जो मुमरा के कुछ न्यूज़ चैनल ने भी अपनी न्यूज़ पर दर्शाया था। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग वालों का आपस में विवाद चालू था, कुछ टेनेंट पैसा देने को रिपेयरिंग का राजी नहीं थे, जिसके चलते विवाद बढ़ता चला आ रहा था। वहीं आपको बता दे चले कि कल के दिन दोपहर के वक्त 2 बजे के करीब आनंद कोलीवाड़ा परिसर में पारस बिल्डिंग के बाहर ही राम नाम का एक अधेड़ उम्र का युवक था, जिसकी मुन्ना नाम के आदमी के साथ में नोकझोंक हुई थी। इसी मसले को लेकर नोकझोंक में नौबत यहाँ तक के आ गई थी कि राम ने पाइनएप्पल वाले से छुरी उठाकर मुन्ना पर हमला किया। बीच बचाव के कारण मुन्ना को मामूली सी चोटें आई। मुन्ना ने जब मुमरा पुलिस स्टेशन में गए, उसके बाद में उन्हें शिवाजी अस्पताल मेमो लेकर के मेडिकल कराने भेज दिया गया था मुमरा पुलिस द्वारा। उसी दौरान राम नाम का जो शख्स है वो पुलिस स्टेशन में आया और वहाँ पर चक्कर आकर गिर गया। जब बुरानी अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 8 से 10 दिन पहले राम का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद में कल जब दोपहर में विवाद बढ़ा तो हार्ट अटैक के कारण उसकी जान चली गई। मुमरा पुलिस ने IPC धारा 304 के तहत 2 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पारस बिल्डिंग के लोगों पर ही मामला दर्ज हुआ है। क्या कुछ कहा दोनों तरफ के पक्ष के लोगों ने, मुन्ना के घर वालों ने और राम के घर वालों ने, हम आपको आज की इस फुटेज में दिखाते हैं। धन्यवाद। यस्मिन जी, ये जब मुन्ना भाई को घर में लाया गया, जब उनसे विवाद हुआ भाई, तो उसके बाद में क्या हुआ इस घर से? कौन आए थे मियां बीवी? यूसुफ भाई, ये जो विवाद आपकी बिल्डिंग में हुआ है जी, और इसको ये रिपेयरिंग को लेके चालू है, ये बिल्डिंग का पूरा एड्रेस क्या है? ये पारस अपार्टमेंट आनंद कोलीवाड़ा नियर पुलिस चौकी साई बाबा मंदिर के पास। तो ये क्या विवाद हुआ था आपका? सर ये विवाद ऐसा था कि हम एक साल से फाइट कर रहे थे TMC से, प्लस हमारे जो यहाँ के नगर सेवक है उनसे हम लोग एप्लीकेशन दे के कलेक्टर से ऑर्डर ही निकाल के, वो तो फाइट चल रहा था। पर अभी ऐसा था ना, किस चीज के लिए फाइट? ये बिल्डिंग रिपेयरिंग के लिए, एजेंट्स पैसे नहीं दे रहे तो उसके रिपेयरिंग के हिसाब से ये फाइट चल रहा था। जो अभी काम अटक गया 70% जितना पैसा निकला 35 जन से, उतना पेमेंट आके अटक गया ये 6 जन की वजह से काम। तो अभी ऐसा था, उसमें एक जन था ना, वो आते जाते लोगों को ताना देना या वो सब। क्या नाम था उसका? उनका ये राम से भैया था जो गुजर गए। गुजर गए जी। अच्छा, तो ये कैसे उनकी मौत हुई, ये पूरा हादसा क्या? जी सर, ये ऐसा हो गया कि मैं ना ऑटो पे से आया, फिर मुन्ना अंकल हमारे साथ थे, हम लोग उधर मीडिया वाले से बात करने के लिए हम लोग उधर गए कि भाई 3 महीने से काम अटक गया। तो उन्होंने मुन्ना अंकल को ना ताना मारा, ताना ऐसा मारा कि बोले क्या उखाड़ लिया आपने, क्या कर लिया बोले। फिर उनकी बेटी के ऊपर बोला, वो अंकल ने बोला कि भाई देख तू गाली दे रहा है, फिर बोलना नहीं, बोला हमने क्या किया हमको पता है। फिर उसने बोला तू तो बोले बेटी की क्या, अभी मीडिया में कुछ नहीं बोल सकता, इधर सब औरत है। उसने इतना गंदा वर्ड बोला तो उसके ऊपर कौन बाप अपनी बेटी का ऐसा गंदी बात सुनेगा, तो कौन सहन नहीं करेगा। तो उन्होंने बातचीत करने में, उसने वहाँ पे पाइनएप्पल वाला था, आप वहाँ के जो भी है दुकान वाले, किस जगह हुआ ये? मार्केट में बाहर, बाहर मार्केट। जी हाँ, वहाँ पे ना 2 CC कैमरा है, मैं अभी शो नहीं करता किधर है वो। उस सीसी कैमरे से आप फोटोज के हिसाब से आपको पूरा मालूम पड़ेगा। उनके साथ एक है ना, उनका जो दुकानदार जो भाड़े पे लिया है सेपू, उन्होंने वो मुन्ना अंकल का हाथ पकड़ा हुआ था और तो वो एजेंट की दुकान है। जी हाँ जी हाँ, सेपू सेपू करके। और उन्होंने क्या किया, वो छुरी लेके मुन्ना अंकल के ऊपर मारते, मैं बीच में ऐसे हाथ किया तो मुन्ना अंकल को इधर लग गया, सर पे लगा। जी हाँ, ये सर पे, फिर छुरी फेंका, फिर मुन्ना अंकल को मैंने घर पे भेजा। उसके बाद उनकी वाइफ उनकी फैमिली पूरी आई और पीछे साइड आके मुन्ना अंकल के घर पे घुस के, और हालांकि उनके घर पे उनकी वाइफ हैंडीकैप है, उनको धक्का मार के ईंट से पत्थर मारा, उनको बाहर निकाल के मारा। और फिर उसके बाद वो मुन्ना अंकल को हम लोग ने चौकी भेजा कि पहले जो भी मैटर है अपन चौकी में देखेंगे। और मेरे पास है ना ये पूरा रिकॉर्डिंग है, उसको हम लोग है ना मीटिंग में भी बुलाते थे, मीटिंग में भी आके पूरा गाली गलोच और इतनी गंदी गंदी गाली कि बेसब, मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है वो मैं चाहिए तो आपको क्लिप देता हूँ। फिर उसके बाद वो पीछे से गया, उनकी वाइफ और वो पुलिस स्टेशन में बैठा है, वो फोटेज भी है, पुलिस चौकी में बैठा हुआ है।
उसके बाद वो मुन्ना अंकल को कलवा भेजते हैं वो अपना पूरा रिपोर्ट के लिए कि आपको किधर मेडिकल के लिए जी ये मेडिकल के लिए। फिर हमको पता चलता है कि बोले उनकी डेड हो गए, तो एक नेचुरल डेड है, पर यहाँ के जो नगर सेवक है ना वो अभी 3 साल से हम पेपर वर्क से फाइट कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट इतना ही था जो अभी आप नगर सेवक को राजन कीन है, आपको इतना ही इंटरेस्ट था तो आपके पास जब हम 3 साल के पहले आए, आप जब भी इंटरेस्ट दिखाते तो इतना कुछ नहीं होता। आज बिल्डिंग बन के आज आपको दुआ मिलती और सब कुछ होता, जैसे आप कुछ दिखा रहे हो। अगर देखो सर ये नगर सेवक पहला ही इंटरेस्ट दिखाता ना तो आज कैसा है पूरे कोलीवाड़ा में ना कोई किसी का बिल्डिंग का काम अटकता नहीं और इतना हादसा होता नहीं। आज ये टीएमसी के वजह से, आज मैं ये बोल रहा हूँ ये टीएमसी के वजह से, कि टीएमसी को भी ऑर्डर आया, मुझे गोस्वामी सर और सागर सालों के सर ने मुझे बोला था आप काम चालू करो, उसके बाद वो 6 जन का घर हम सील कर देंगे। 6 महीने तक मैंने हम 35 जन का पैसा लगा के बिल्डिंग रिपेयर किया, उसके बाद बोलते हमारा काम नहीं है, तुम्हारी बिल्डिंग इलीगल है। 89 में ग्राम पंचायत था, टीएमसी 95 से आया और आपके आने के बाद 100 इलीगल बिल्डिंग खड़ी हुई। ये लोग का पूरा रैकेट है, कैसा रैकेट है आप बता रहा, ये पीछे 2 महीने में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, इलीगल बिल्डिंग खड़ी हो रही है वो भी 2 महीने के अंदर। अच्छा, जो पीछे धोखा था जो गिरा दिया था उनको 2 महीने में खड़ी किया बिल्डिंग, फिर वो लोग आके तोड़ते हैं, फिर वो स्लैब खड़ा होता है, मतलब आप क्या करते हो फिर वही बिल्डिंग को आप 5 महीने में धोखादायक करके गिराते हो, मतलब ये तो फुल रैकेट ही है ना। अगर सर मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, अगर मैं नगर सेवक या मैं सोचो वर्कर हूँ तो कैसा है, एक नगर सेवक का काम क्या रहता है, म्यूनसिपैलिटी से अटैच होना कि भाई 5 साल मतलब 1 साल के अंदर कितना पानी का टैक्स बाकी है या धोखादायक कितनी बिल्डिंग है, उसके अंदर आप वो बुरानी के सामने भी देखोगे निधिया पास किया है गटर का, अच्छी खासी गटर थी, आपने उसको जबरदस्ती का निधि पास करा के आपने वो पैसा ये किया, उससे अच्छा आप बिल्डिंग के पैसे लगाते जो पैसा नहीं दे रहा है आपको, मानो सिविल मैटर है आप एक कोर्ट में वकील करके देते हैं, वैसा 3 बिल्डिंग का तुमने पैसा सॉल्व करते तो चौथा खड़ा ही नहीं होता था, वो आज इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता था। अभी ये ऐसा हो गया, वो नेचुरल मौत को आप जबरदस्ती का राजनीति करके इन गरीब को फंसा रहे, पारस बिल्डिंग वाले को फंसा रहे हो आप रिपोर्ट दिखा दो ना, अगर रिपोर्ट में कुछ आ रहा है ऐसा कि भाई है तो पूरे बिल्डिंग वाले जाने के लिए रेडी है। नेचुरली मौत है, वो पुलिस चौकी में बंदा आ रहा है बातचीत कर रहा है, फिर उनको रिक्शा में बिठा रहा है, रिक्शा में जाते जाते बुरानी में क्या हुआ वो पता नहीं, पर बुरानी से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला, मैंने कॉल किया उधर कि सर जानने के लिए, क्योंकि आज हम छोटे से बड़े उनके सामने हुए तो हम जानने के लिए कि क्या हुआ भाई, इतना कोई सीरियस मैटर है क्या। उन्होंने बोला नहीं, रिक्शा से में ही डेड हो गया था, उनको वो हुआ था अटैक आया था या कुछ उनकी सर्जरी का था तो उनको इतना आराम का था पर उन्होंने आराम नहीं किया, नीचे उतर गया तो उनकी सर्जरी कभी हुई थी अभी वो सब नहीं पता सर, अभी इतना सुनने में आ रहा है कि सर्जरी 10 दिन हुआ है, तो उनको नीचे नहीं उतरना मांगता ना सर, आज अपने उंगली पे थोड़ा लगता है अपन हफ्ता भर आराम करते हैं। अच्छा, ये भी पता लग रहा है उनकी जहाँ पहले दुकान थी तो उधर भी उन्होंने रिपेयरिंग का पैसा नहीं भरा था, वो अर्चना पैलेस बिल्डिंग है बाहर, उधर भी उन्होंने पैसा दिया नहीं था, उधर भी एक ही डायलॉग मारते थे कि भाई वहाँ पे हमको बिल्डिंग में बुलाते नहीं है, मीटिंग में कुछ नहीं, इधर भी वही डायलॉग है, मेरे पास आपको पूरा रिकॉर्डिंग है, मैंने वीडियो निकाला था, मीटिंग में बैठे हुए तो गाली गलौज, गाली के सिवा उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग है, मैं आपको देता हूँ, आप वो भी बताओ दुनिया को कि ऐसे लोग भी है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो भी नगर सेवक है तो इतना तो सोचो कि आपको धोखाधड़ी बिल्डिंग है तो आप लोग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लीजिए, आपको नगर के हम लोग क्यों चुनके लाते हैं कि हमारी तकलीफ कौन सुनेगा, टीएमसी नहीं सुन रही आप सुनोगे करके, हम तुमको चुनके लाते क्यों, जब इलेक्शन होता है तो आपको सब पता है इसका नाम यूसुफ है, इसका नाम कुतुब है, इसका नाम मुन्ना अंकल है, इसका नाम राजा भाई, आपको सब पता है, तो जब वो लोग आपके पास आते तो आप क्यों हाथ झटक रहे। ये तो अभी एक मैटर ऐसा हुआ है, अभी कितने मैटर ऐसे है ना सर कि बिल्डिंग यहाँ खड़ी करके रूम नहीं दिया है, वो भी मैं खुलासा करूंगा, वो बंदे का काम नहीं हुआ, वो बंदे को भी मैं आपके मध्य से सामने खड़ा करूंगा कि वो नगर सेवक रह के इलीगल बिल्डिंग खड़ी करके वो बंदे को रूम नहीं दिया, वो बंदे का पेपर वर्क किया, वो मैं आपके मध्य से उसको बंदे को खड़ा करूंगा। मुन्ना भाई, आपका क्या विवाद हुआ था? मेरा कोई विवाद नहीं था, मैं और ऋषिक यहाँ बैठे हुए थे, किसी को फोन ये किए, वो उसने बोला कि मैं राजन के ऑफिस के लिए आ गया, मैं और ऋषिक उठे, बोले उनको लेके आ गया, गली मालूम नहीं, तो वही हम लोग गए मेडिकल के इधर खड़े थे, वो सामने केले वाले के इधर खड़ा रह के गंदी गंदी गाली दे रहा, मेरी बेटी वही जो गुजर गए क्या नाम राम, मेरी लड़कियों को ऐसी गंदी गंदी कोई भी बात बता नहीं करे, क्या दुश्मनी आपकी, हम कोई गलत काम करने जा रहे, आप अपना पैसा दो, हमारे कोई दुश्मनी नहीं, बिल्डिंग सबका है ना, एक आदमी का तो है नहीं साहब। आज मैं 2 साल से हम लोग दौड़ धूप से किसके लिए कर रहे हैं, खाली अकेले के लिए तो नहीं,
ये 42 रूम है, सबके लिए फायदे के लिए और सब गरीब है। हाँ, उस हिसाब से एक दिन की बात नहीं साहब, ये 4-5 महीना हो गया है, जब हम मेरे को देखेगा, यूसुफ को देखेगा, बिल्डिंग के कोई भी लोग, ये बिल्डिंग का कोई भी लोग जाते हैं, गंदी गंदी गाली देता है, गंदी गंदी गाली, वो गाली से तो हम लोग साहब अपनी जबान नहीं खराब कर। तो वही मैं पूछने गया, बोला राम आप ये बताओ गाली क्यों देते हैं? हम लोग देखेंगे ना तो वो बोलते हैं कि खबरी है, खबरी है। आप पूछने गए फिर? तो उसने फट से वो अनानास वाले का इतना बड़ा चाकू था अनानास छीलने वाले का, उसने उठा लिया, उसने उठाया मेरे ऊपर ऐसा वार करने लिया, तो मैं अपने बचाव के लिए उसको यूं किया, तो वो वार तो फैल गया। मगर जब ये कोई दलाल क्या ना सेबू ने मेरे को पकड़ लिया, तो उसने आके एक दूसरा वार किया तो मेरे को यहाँ लग गया, तो मेरे को सब पकड़ उकड़ के हम लोग यहाँ आ गए। फिर यहाँ मच मची हुई, तो ये लोगों ने मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया, ये चौकी, तो वहाँ से मेरे को पेपर दिए, मेमो मिला जी हॉस्पिटल का, ये मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं पूरा रिपोर्ट लेके आ गया हूँ। उसकी वाइफ मारी आपको यहाँ पे? यहाँ आके मेरे को उसकी वाइफ ने मेरे घर में घुस के मेरे मतलब यहाँ पर आपसे विवाद हुआ, आप चौकी गए और चौकी में आपको मैमो मिला, फिर आप हॉस्पिटल में। जी जी जी, तो ये मेरे को हॉस्पिटल में पूरा पेपर मिला है, तो मैं आने वाला था मगर वो सुनने में आ रहा है कि उसका बेड हो गया है, इसके लिए मेरे को जाना तो है चौकी से, मैं कोई आरोपी तो हूँ नहीं, भागे भागे फिरूँगा, मैं जाऊँगा चौकी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ये बात है साहब, जो है बिल्डिंग वाला, बिल्डिंग ही का है, कोई मेरा कोई पर्सनल लफड़ा नहीं, सब बिल्डिंग का है। सर मैं आपसे मजे से ये बोलता हूँ कि जो झूठी गवाही देता है ना सर, तो रफीक चाचू आप लोग ये ना मिलके एक ऐसा पुलिस वाले को बोलो कि उसकी वेरीफाई करे, जैसे वो जो सेपू था उन्होंने ये डाला कि बोले वो बैठा हुआ था और इन्होंने जाके लात मारा, वहाँ पे कैमरे लगे, आप वहाँ जाके कैमरे के फोटेज निकाल सकते हैं कि क्या विवाद था, कौन पीछे आया, किसने किया, तो उस पर भी केस दाखिल हो जो झूठी गवाहियाँ देता है। इसमें कैसा होता है, जो सच्चा इंसान रहता है वो जेल दिखता है और जो बुरा रहता है वो बिंदास घूमते रहता है। मौसी ये पूरे विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? मौसी ये पूरे मामले को लेकर आपको क्या कहना है? हम किधर जाएगा रूम में, किधर जाएंगे गरीब हम लोग। अब ये आप लोग सब बिल्डिंग वाले हैं, आप उतरते चढ़ते थे तो ये आप लोगों से ऐसे ही बदतमीजी करता था? हाँ, मेरे को तो देख के खबरी बोलता था। मैं दुकान पे मेडिकल पे दवा हुआ लाने जाती थी ना, तब बोले गाली उली देते थे, बोले अभी यहाँ पे कुछ बोलो मत नहीं तो खबर लगा देंगे, खबरी लोग आए ऐसा बोले। मसरे अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, तो जब आपका 2 बार हार्ट सर्जरी हो चुका है तो आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? अगर आपको पता है कि आपका हार्ट सर्जरी हुआ है तो आप तीसरा बार भी अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप झगड़ा मत करो। और आपको किसी ने कोई पेमेंट के लिए बिल्डिंग का बोला ही नहीं था कि आप पेमेंट दो, आप जबरदस्ती जा रहे हो और आप बुकिंग कर रहे हो कि भाई पैसा दो, आप मतलब बिल्डिंग 2 हफ्ते से काम बंद था तो आप बोल रहे हो कि भाई क्या कर लिया आप लोगों ने, पैसा नहीं निकाल पाए तो ये सब मसला हुआ और फिर उनको हार्ट अटैक हुआ। और अभी सुबह सुबह पुलिस वाले लोग ऐसा करके लेकर आए भाई को और अंदर जमा कर दिया। तो आप मुंगरा पुलिस से क्या, मुंगरा पुलिस के आला अधिकारियों से क्या बोलना चाहते हैं? यही कि भाई जो सच है वो करो। बेचारा यूसुफ जो है वो बिल्डिंग का सही कर रहा था, 70% काम हो चुका था, 30% जो काम नहीं हुआ है वो यही लोगों की वजह से हुआ है जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है। अब राम असरे अंकल का मौत हो गया तो इसका फायदा उठा रहे और यूसुफ को दबा रहे और यूसुफ को अंदर बंद कर, मतलब कहीं ना कहीं यूसुफ जो सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे बिल्डिंग के लिए उनके साथ में इसके लिए ऐसा किया गया है। आप लोगों का ये कहना है? ऐसा नहीं है कि यूसुफ ने मारा है, यूसुफ ने ना हाथ उठाया है, मैं भी बिल्डिंग के नीचे था, किसी ने हाथ नहीं उठाया है, किसी ने मारा नहीं है। मुन्ना अंकल और उन्हीं का जो है हाथापाई हुआ क्योंकि राम असरे अंकल ने उनको गाली दी पहले। औरत बाल बच्चे उसको 3 माँ बाप उसका पागल है, इन लोगों का सबका वो गुजारा करता, वो ये काम करेगा क्या? ये तो जानबूझ के पुलिस लोग को कोई मिलता नहीं तो ये बना दिया बकरा बलि का। चाचा राम के घर वालों से हम लोग ने जब कल पूछताछ की थी तो उनकी औरत का ऐसा आरोप है,
कि यूसुफ भाई ने राम को धक्का दिया था जिसकी वजह से उसे चेस्ट में दर्द हुआ, क्या ये बात सही है? ऐसा हो नहीं सकता ना, एक धक्के से आदमी के छाती में दर्द होता है, ये होता है, हाँ बहुत ऊंचे से गिरा है या कुछ ऐसा हुआ है तो बात अलग है कि माना जाता है। में उस राम का 8 दिन पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, ऐसी भी जानकारी हमें बिल्डिंग वालों से पता चली थी। हाँ ऐसा हमने भी सुना नहीं, हमको इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं। तो अभी आप मुंद्रा पुलिस से क्या विनती करना चाहोगे, क्या गुहार लगाओगे? हम यही गुहार लगाएंगे कि अच्छी तरीके से इंक्वायरी करो, असली आरोपी को पकड़ो, ऐसे काम करने वाले सच्चे अच्छे नागरिकों को लाके उनको परेशान करने से, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है जो यूसुफ भाई ये सच की लड़ाई लड़ रहे थे इसके चलते इनके साथ में ये हुआ। हाँ वो जब बिल्डिंग के लिए लड़ रहा था, बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए, पारस बिल्डिंग के लिए लड़ रहा था, उसके सब एप्लीकेशन ये वो करता था, पानी के नल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो उसके रहने वाले जो मालिक है उन लोग को ये चलता नहीं था, वो चाहते थे कि भाई पूरी बिल्डिंग हमारे कब्जे में रहे, हम बोले सो सब होवे, मगर वो लोग इन लोगों ने यूसुफ ने आगे होके ये सब करके लोगों को जगाया, लोगों को बताया कि भाई। हमें आज सुबह पता चला कि यूसुफ भाई को IPC धारा 304 के तहत मुंद्रा पुलिस में उनको अरेस्ट किया गया है मुंद्रा पुलिस द्वारा। हाँ मेरे को अभी मालूम पड़ा तो मैं देखने आया। ये हम लोग को सुबह घर पे आए और हम लोग को बोला कि किधर क्या हुआ है आप हम लोग को बताओ, तो हम लोग सब बता रहे थे कि ऐसे ऐसा स्पॉट हुआ है, अंकल पहले यूसुफ मुन्ना अंकल और उनका पहले हाथापाई हुआ रामाश्रय अंकल का, ऐसा बिल्डिंग के वहाँ पे बताया गया और वहाँ पे उन दोनों का हाथापाई, तो रामाश्रय अंकल ने मुन्ना अंकल के सर पे मारा। किस चीज़ से? वहाँ पे एक पाइनएप्पल वाला था, वहाँ से छुरी उठाया और उनको मारा, उनको लग गया। और यहाँ पे जब आए तो हम लोग मुन्ना अंकल को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जोर से बोलो। मेरा नाम जाहिद है। आपका क्या, आपके शोहर का क्या विवाद हुआ था, क्या लफड़े हुए थे आप लोगों के? हम लोग के लफड़े बिल्डिंग के ही थे, बिल्डिंग बोले रिपेयरिंग होगी, हम लोग बोले ठीक है, हम कुछ राजी थे कुछ नहीं राजी थे, जब 40 लोग राजी है तो मुझे एक को तो राजी होना ही पड़ेगा। ये लोग हम लोग को मीटिंग में कभी बुलाएंगे कभी नहीं, और जब लास्ट में बुलाने लगे तो लफड़े होने लगे, थोड़े तू में लफड़े ही होने लगे। यूसुफ था ना वो शांति से बात नहीं करता था, गाड़ में बांबू डाल देगा, हमको TMC में डाला, हमने पूछा भी उसको तू हमको TMC में डाला तो TMC वाले का नाम बता, बोला नहीं बताएगा, बोले कोर्ट लेके जाएगा, किधर किधर जेल लेके जाएगा। तो बिल्डिंग वाले लोग का ये कहना था जो मेंटेनेंस था, जो बिल्डिंग रिपेयरिंग का जो पेमेंट था वो आप लोगों ने भरा नहीं था, बिल्डिंग रिपेयर का हमको बोला ही नहीं गया था, हमको बोला ही नहीं था। नहीं तो आप 6 लोग मीटिंग में नहीं आते थे ना बिल्डिंग के? हमको बुला ही नहीं थे, देखो लड़का खड़ा है सामने, हमको बुलाते नहीं थे, हम 6 लोगों को मालूम ही नहीं। क्यों नहीं बुलाते थे आप लोगों को? हाँ क्यों नहीं बुलाते थे? क्योंकि हम लोग सच का ऐसा कहना है कि आप लोग नहीं आते थे मीटिंग में। हाँ बिल्डिंग वालों का नहीं, हमको बुला ही नहीं पहले मीटिंग में, पहली बार मीटिंग हुई नहीं आया, आप लोग मीडिया आके गई, सब हो गया टेरिस पे, हमको बाहर से मालूम पड़ा, बोले लोगों के ऊपर 6-6 नगर सेवकों का सबका हाथ है, हम लोग किसी के पास नहीं गए। बंटी को बुलाए, वो बंटी भी आके गया, वो बेचारा वो भी ऐसे ही बोला जैसे हमने बोले ना ऐसा काम कराते हुए जाने का, उसने भी वैसे ही बोला। जितेंद्र अवार्ड की औरत के इधर गए थे, उसने थोड़ा कुछ बोली तो बोले सब मिले हुए, हम लोग सब मिले हुए ही है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा मिले हुए। आज जो आपके पति का देहांत जिनका हुआ है, बिल्डिंग वालों का ऐसा कहना है कि उनके कुछ हार्ट की सर्जरी हुई थी। हाँ हुई थी। कितने दिन पहले? 8 दिन, आज 8 दिन हो गए थे, शनिवार को हुआ था, शनिवार को उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसी दिन मैं एडमिट करी थी, उसी दिन उनको लेकर आई थी, ऑपरेशन हुआ था और आज हमारा डिस्चार्ज हुआ था मंडे को, हम लोग घर आए थे शाम को 5 बजे मंडे के दिन, और वो 8 दिन हो गए ना, तो बोले बुधवार का मेरा अपॉइंटमेंट था, हमको बुधवार को फिर चेकअप को जाना था, बोले मैं 2 मिनट के लिए नीचे जाऊंगा कल, बोले अभी आ जाऊंगा ना ज़्यादा 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगा, मैं मत जा मत जा मत जा।
तो भी चला गया नीचे, उन लोग का क्या मारा मारी हुआ मुझे पता नहीं। मैं ऊपर से देखी तो वही सुबह लोग कॉलर पकड़ा हुआ था, मीडिया आने वाली है ऐसा बोला था। हाँ यूसुफ ने नहीं, वो बाद में मैंने राम भैया से पूछी ना, मैं बोली राम भैया काय, मैं बोली काय के लिए वो तुम्हारा झगड़ा हुआ। तो बोले ज्यादा मैं चुपचाप बैठा था, मेरे को मालूम था मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो आपने जब ऊपर से देखा तो उसके बाद में क्या हुआ? वो यीशु वो लोग कॉलर पकड़े हुए थे, तब तक मैं देखी जैसा कि कॉलर पकड़े थे उनकी पूरी टी शर्ट इधर तक आ गई थी, मैं वैसे ही नंगे पैर बिना ओढ़नी के नीचे गई तो वो उधर वो लोग तब तक के सब छुड़ा दिए तो वो चला गया। वो फिर आया यीशु, बोरी किसको बोला? उसने बोला हाँ भाई मैंने बोला, बोरी बोला, मगर तूने भी तो ऐसा बोला। उसको छेड़ा राम भैया को, वो चुपचाप बैठा था। बोले जायदा मेरे को बोला कि मीडिया आने वाली ऐसा वैसा होशियारी मार रहा था, तो मेरे को भी गुस्सा आया, मैंने भी गाली दिया, हाथापाई हो गई। अच्छा बोले उसने मेरे को पहले छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा जाता उसको, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं अब भी ऑपरेशन करा के आया हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा। अभी बताया गया है वहाँ से चाकू उठा के राम भैया ने पहला हमला किया और आप उनके घर पे जाकर भी उनको निकाल के घर से भी मारा गया आप लोगों द्वारा। मुन्ना के घर पे गए थे आप लोग? देख भाई कुछ दिख रहा है तेरे को मेरे काल पे? दिख रहा है तो बोल, नहीं दिख रहा है तो मत बोल। जवाब हम लोग आपसे पूछ रहे कि बिल्डिंग वाले ने जो बोले हम वो सवाल आपको कर। बिल्डिंग वाले ना, तो मेरे मन से तो ऐसा निकल रहा है कि इनकी क्या कर डाली बिल्डिंग वालों को, दिख रहा है तो बोलना है, हक ईमान से नहीं तो नहीं बोलना। कान का एक मेरे पास है और एक गिरा दिया, दिख रहा है कि नहीं? देखो आप जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे, वो बोलेंगे वो फैसला करने वाले हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब पुलिस सुबह जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर पुलिस काम करेगी, क्योंकि यहाँ जब विवाद होने के बाद मैं वो वहाँ गए थे और फिर उसके बाद में हुआ। मैं उसके घर नहीं गई थी, हाँ। खाली यही बोलने गई थी। तरीके से आप बोलो, देखो आपको फॉल्ट डालना कोई मतलब नहीं। मैं खाली यही बोलने गई थी उसके, गए थे ना बाबा किस कारण तूने, वो भी घर पे नहीं कैलाश के घर के पास, उसका घर उधर कैलाश के इधर जहाँ पप्पू अपन पानी भरते थे नल के, इधर ही उसका घर तो उधर है, मैं इधर ही खड़ी थी, यही खड़ी थी, लाफा मारा, उसको लगा कि मैं उसको मारूंगी, उसने मुझे एक जोर से लाफा मारा, मेरा इधर पकड़ लिया तो मैंने भी उसको पकड़ लिया। फिर तब तक कि हम लोग सब उधर आवाज आने लगी मेरे बिल्डिंग के पास कि वहाँ आ गए, वहाँ फिर झगड़े आतम पाई, पूरे बिल्डिंग के लोग थे, बहुत जन थे। फिर उसके बाद आप लोग मुमरा पुलिस चौकी गए? हाँ हम लोग मुमरा चौकी में ही गए। वो यहाँ से वो तो बोल रहा था ना, राम भैया बराबर गए थे यहाँ से सही सलामत थे? हाँ वो धीरे धीरे चल के बराबर गया था, जो भी हुआ चौकी में हुआ। मतलब वहाँ बैठे बैठे फिर क्या हुआ जब आप वहाँ चौकी पहुँचे? बैठे बैठे गिर गया, बोलते नाटक कर रहा है, बोले उसको नाटक करने के आप धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके से खबरों को जानने के लिए मुमरा एक्सप्रेस पर बने रहे, जुड़े रहे और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।